Assalamualaikum दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, मैं कहता हूँ ठीक होंगे। तो आप देख रहे हैं पोल्ट्री ब्लॉग चैनल। तो दोस्तों, आज आपको बताऊँगा कि पोल्ट्री फार्म में रेकिंग कैसे की जाती है। रेकिंग करने से ये होता है कि नमी ज़्यादा होनी चाहिए और पंखे जो चल रहे हैं, जो उसमें एक एक्स्ट्रा पंखा चलाना चाहिए, क्योंकि अंदर जो अमोनिया गैस होती है वो निकलती है। तो इससे क्या मुराद ये होता है कि हमारा बुरादा गीला नहीं होगा, और इसमें बुरादा सही होने से ये मुराद है कि हमारी जो अख्तियार है अच्छी बनती है, और मसले मसला जो कम होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, ये रेकिंग रेकिंग कैसे की जाती है, ये ऐसे रेकिंग करनी पड़ती है। ये रेकिंग करनी आगे करते ऐसे करनी चाहती है, और ऐसे करने से हमारे पूरा तो जो गीला जो उत्पुट हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि चूजा साफ सुथरा रहता है, अंदर का माहौल ठीक रहता है। तो इससे कोई मतलब इसमें ये है कि मौसम के मुताबिक होती है। अगर हमारे पास मतलब कि ऐसी मौसम में जिसमें नमी नहीं है, तो कभी कोई काम नहीं है, क्योंकि उसमें इतना गीला होता नहीं। अभी हमारे पास नमी ज़्यादा की वजह से निकलने से कुछ फर्क आता है, और दूसरी बात पूरा था हमारा गीला नहीं होता। तो देखो इतना थोड़ा इसको स्पीड से चलाना होता था, अगर नीचे से दूर कहीं तो उठ गया बुरादा नीचे जो अभी होती है वो भी निकल जाती है। ये देखो कितना खूबसूरत और साफ सुथरा पड़ा हुआ, कोई गिटावा या ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इससे किया तो चूहे सारा उसको चला गया, उससे चार पकड़ा लेकिन।